निकाय चुनाव में भाजपा को रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल हुई है और सभी विपक्षी दलों की स्थिति बहुत कमजोर है। हम इस समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी जी के साथ हैं। खाबरी जी, कांग्रेस का क्या प्रदर्शन रहा निकाय चुनाव? कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा, मैं पहले से बराबर कहता आ रहा था कि हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और हुआ भी अच्छा है। हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा, हम चार चार महापालिकाओं में दूसरे नंबर पे आए और बहुत नज़दीक से, जैसे मुरादाबाद में मात्र हम 3,500 से पीछे रह गए हैं, वो सीट हमारी जीती हुई थी। बहुत जगह तो इस सरकार ने दबाव बना करके तमाम सीटों को हमारी जीती हुई को हरा दिया है, जैसे हमारे यहाँ कोटरा है, जैसे एक और झांसी में सीट थी बड़ा गांव, ये सब सरकार के दबाव में आके हरा दिए। लेकिन कहीं कहीं हम जब भिड़ गए हैं तो हमें वहाँ का रिजल्ट हमारे पक्ष में मिला है, इसलिए ये साबित हो गया था कि इन्होंने तमाम सीटों को जानबूझ के हरा दिया। और जहाँ तक कांग्रेस के प्रदर्शन का जो आप पूछे हैं, तो प्रदर्शन कांग्रेस का इसलिए अच्छा रहा है कि हर गांव गली हर मोहल्ले में कांग्रेस का झंडा थाम करके कार्यकर्ता दिखाई दिए हैं। जो ग्रोथ हुआ है उससे आगे के लिए हमें बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन सर, कई प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई है सभी दलों में, कांग्रेस में भी अच्छी खासी संख्या है। नहीं देखिए, जमानत जब्त वहाँ वहाँ हुई है जहाँ पर हम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, और कारण कुछ भी हो सकते हैं। मेयर के तो सभी 17 प्रत्याशियों में जमानत जब्त हो गई कांग्रेस। देखिए, जहाँ पर मेयर का सवाल है, सभी जगह तो नहीं हो सकती है। सभी जगह इसलिए नहीं कि हम मुरादाबाद में जब सेकंड नंबर पे हैं, झांसी में हम सेकंड नंबर पे हैं, चार जगह हम सेकंड नंबर पे जब आए हैं तो जमानत जब्त कैसे हो जाएगी? सब जगह नहीं है। जहाँ पर हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, जहाँ पर वोट परसेंटेज हम अच्छा नहीं बना पाए हैं, कारण कुछ भी रहे हों, चाहे हमारे वार्ड मेंबरों ने किया हो, चाहे हमारे कैंडिडेट से हुआ हो, चाहे पार्टी की तरफ से हुआ, लेकिन लबालब ये है कि हमने जो गेन किया है वो वोट ऑफ परसेंटेज गेन किया है। और सबसे ज़्यादा हम समझते हैं कि जो हमें मिला है वो पूरे प्रदेश के अंदर हर एक नगर पंचायत, नगर पालिका, महापालिका, वार्ड बाई वार्ड हमारे वर्कर झंडा लेके घूमे हैं, तो वो प्रचार हुआ है पंजा का। पार्टी को यहाँ बहुत मजबूती मिली है, इसे कोई कुछ सोचता रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी को जो मजबूती मिली, मैं यही कहूँगा कि आने वाले टाइम के लिए हमारा जो वर्कर है वो ऊर्जावान हो गया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ईवीएम की वजह से हारे, उन्होंने सारा ठीकरा ईवीएम पर फोड़ दिया है। कांग्रेस के पास क्या इस हार से बचने के लिए क्या तर्क है? नहीं, कोई हार क्यों, हमने स्वीकार किया, बचने की बात ही क्या है? कौन किस कारण को ला रहा है, कौन किस कारण को नहीं ला रहा है, मैं तो कह रहा हूँ कि जो भी हमने लड़ाई लड़ी है, जिस लड़ाई के लिए हम तैयार हुए थे, वो उसमें हम जीते हैं, हम कहीं नहीं हारे हैं। हमारे वर्कर का मनोबल बढ़ा है, हम जीत गए। मनोबल बढ़ाना है था, मनोबल बढ़ा है। जगह जगह हमारे कार्यकर्ता झंडा डंडा के साथ घूमते नजर आए हैं, तो पूरे प्रदेश में जो एक शांति की लहर थी कांग्रेस की, वो एकदम से झंडा लेकर के तैयार हो गए। अब कि सभी विपक्षी दलों को अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं, कांग्रेस को भी नहीं मिले हैं, तो समीक्षा का दौर चल रहा है, समीक्षा बैठकें हो रही हैं, कि कांग्रेस भी कोई समीक्षा कर रही है? हाँ, हमारी भी समीक्षा है। मैं चूँकि 20 तारीख को करने जा रहा था, लेकिन हमारे कुछ प्रांतीय अध्यक्ष इधर उधर के अपने अपने क्षेत्रों में कार्यक्रमों में लगे हैं, तो मैंने आज तय किया है कि हम 22 तारीख को समीक्षा बैठक करेंगे लखनऊ मुख्यालय पर। चूँकि 21 तारीख को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव जी की पुण्यतिथि है, तो उस दिन समीक्षा न करके 22 तारीख को समीक्षा करेंगे। चूँकि 20 को मैंने सोचा था, लेकिन 20 को हमारे दो प्रांतीय अध्यक्ष बाहर हैं, मीटिंग लगी है, इसलिए आगे बढ़ाया गया। इसके बाद 22 तारीख के बाद मैं तय कर चुका हूँ कि हर एक मंडल स्तर पर 18 मंडलों में जाकर के स्वयं मीटिंग करेंगे, समीक्षा करेंगे, हर तरीके की चर्चा करेंगे, जिससे वर्कर में एक ऊर्जा आए और आगे की तैयारी करेंगे। परिषद की 2 खाली सीटों पर भी चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस के पास 2 विधायक हैं, क्या स्थिति रहेगी, क्या समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं? ये राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय है, उनको क्या निर्णय लेना है, हम तो उसके साथ हैं।
चुनाव की समीक्षा के बाद जैसा पहले हुआ कि संगठन तैयार नहीं था, बना नहीं है अभी पूरी तरह से, आपके अध्यक्ष बनने के बाद, प्रांतीय अध्यक्षों के घोषित होने के बाद संगठन बड़ा कमजोर था, उसको नए सिरे से तैयार करना था, चुनाव तक वो तैयार नहीं हुआ, तो अब संगठन की क्या स्थिति? चुनाव खत्म हो गया, संगठन की तैयारी में है। जो हमारा मंडल जाने का मतलब है यही है कि हम हर तरीके की तैयारी करके नए संगठन को बना करके आगे आने वाले चुनाव में नई जिम्मेवारी के साथ, नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस की सरकार बनाने की लड़ाई लड़ेंगे। अपेक्षित परिणाम ना मिलने पर क्या कुछ जिम्मेदार ठहराए जाएंगे? कोई पदाधिकारी हैं, कोई चुनाव के प्रभारी बनाए गए, उनको जिम्मेदार ठहराएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी को जिम्मेवार ठहराने से कोई फायदा नहीं है। आखिरकार वर्कर जाता है, काम करता है, मतदाता हमारे प्रति कितना आकर्षित हो रहा है ये तो मतदाता की सोच है। हम अपनी बात को समझाने में पूरी ताकत लगाते हैं, सामने वाला जब नहीं समझता है तो क्या कर सकता है समझाने वाला। एक टीचर 60 बच्चों को बिठा करके खूब पढ़ाता है, कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं, तो जिसको हमने जहाँ भेजा है उस पर किसी तरीके की कार्यवाही या उससे कुछ पूछना बताना ये उचित नहीं है हमारी समझ में। तो हम नहीं चाहेंगे कि इस तरीके का कोई काम किया जाए। बाकी जो जहाँ कमी रही हैं, गलतियाँ हुई हैं, जहाँ पर हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाए हैं, वो अभी हमारे पास समय है, आने वाले लोकसभा के चुनाव में हम पूरी तैयारी के साथ और ऊर्जा के साथ काम करने के लिए तैयार। बहुत शुक्रिया। बृजलाल खाबरी जी का कहना है कि कांग्रेस ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, सीटें नहीं मिली लेकिन वोट प्रतिशत कांग्रेस का बड़ा है और लोकसभा चुनाव में तैयारियों के साथ जुटेंगे। इसके लिए 22 तारीख को बैठक होगी जिसमें अपेक्षित परिणाम न आने की समीक्षा भी की जाएगी और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बारे में रणनीति भी बनाई जाएगी। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।